सो गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कल रियल क्रिकेट 22 ने एक नया अपडेट दिया था प्ले स्टोर के ऊपर, एंड आई होप कि काफ़ी सारे लोगों ने इस प्ले स्टोर के ऊपर जाकर इस गेम को अपडेट किया होगा। जिनके पास यह गेम इंस्टॉल नहीं है वो नहीं कर पाएंगे, बट कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी इसका फुल वर्जन आने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गेम को जो है वो इंजॉय कर पाएंगे। सो फाइनल गेम को मैंने कल अपडेट किया एंड काफ़ी सारे फीचर्स मुझे नए इस गेम के अंदर देखने को मिले, स्पेशली कुछ नए कैचेस के जो स्टाइल्स है वो देखने को मिले, एंड फील्डिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे बग्स थे इस गेम के अंदर वो भी उन्होंने फिक्स कर दिए। सो अगर आपने भी अपडेट किया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके बग्स जो बग्स आपको देखने को मिले थे क्या वो क्लियर हुए, क्या वो फिक्स किए हैं। अगर नहीं किए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड कौन से नए फीचर्स आपको देखने को मिले। जैसे मुझे कुछ नए फीचर्स मिले, जैसे कि बॉलर अपनी ही गेंद पर कैच पकड़ता है एंड काफ़ी सारे न्यू स्टाइल कैचेस भी पकड़े गए। सो काफ़ी मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट मंथ, शायद इसी मंथ के एंड तक इस गेम का फुल वर्जन भी रिलीज़ कर देंगे वो, आई होप, आई एम नॉट श्योर, बट वो कर देंगे, और कर देंगे तो अच्छी बात है। एंड दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने 2GB और 3GB रैम वालों के लिए भी इस गेम को लॉन्च करने का सोचा है। सो आई होप कि ये भी मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इससे कंपनी के पास ज़्यादा फ़ायदा होगा। 2GB एंड 3GB डिवाइस के अंदर ये गेम अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहा था। कुछ लोगों के डिवाइस में सपोर्ट कर भी रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोगों के डिवाइस में सपोर्ट नहीं कर रहा था। सो आई होप कि इस मंथ के एंड तक जो फुल गेम जो है वो रिलीज़ करने के, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी और सारे जो 2GB से लेके ऊपर तक जो जितने भी सारे डिवाइसेस है वो सब पे ये गेम ठीक से वर्क करेगा, ठीक से प्ले होगा, एंड सारे लोग इस गेम को एंजॉय कर पाएंगे। सो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको कौन से नए फीचर्स मिले, कौन से बग्स फिक्स हुए हैं या फिक्स नहीं हुए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।